भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, लोकसभा की हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने जनता के लिए काम किया है। हारी हुई जो सीटें हैं उनमें केंद्रीय नेतृत्व, वरिष्ठ मंत्रियों के प्रवास और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को नीचे ले जाना है। भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने जनता के लिए काम किया है। हमारी पार्टी अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच जाएगी। रामचरितमानस पर विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी को भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार से देश के हमारे अल्पसंख्यक नागरिक हैं उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। जो हमारी हारी हुई लोकसभा की सीटें हैं उनमें केंद्रीय भारतीय पार्टी और हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के आगमन और संगठनात्मक और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों को नीचे तक ले जाना और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर हम सरकार में हैं, हमारी राज्य में भी सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है और हमने जो काम जनता के लिए किए हैं हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड पूरे 9 वर्षों का 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो जो काम हमने किए हैं उन सब कामों की चर्चा हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में कर रहे हैं।